विश्व कप 2023 के अगले महामुकाबले में न्यूजीलैंड को कुचलने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित कर दी सबसे घातक प्लेइंग 11। सूर्यकुमार सहित इन दिग्गज शेरों की कराई वापसी, जबकि हार्दिक पांड्या मोहम्मद शमी जैसे शेरों को बाहर रखकर सबको चौंका दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विश्व कप 2023 के अंतर्गत भारतीय टीम का अगला महामुकाबला न्यूजीलैंड जैसे खतरनाक प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेला जाने वाला है। तो ऐसे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसके लिए अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। तो आखिरकार यह महामुकाबला कहां खेला जाने वाला है, भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत कितने बजे से होने वाली है, किस दिन खेला जाएगा, साथ ही साथ इसके लिए घोषित प्लेइंग 11 सहित बहुत कुछ आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को विश्व कप के अगले महामुकाबले में हरा पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, विश्व कप 2023 बेहद ही शानदार मोड पर आ गया है। इसमें भारतीय टीम ने अपने शुरुआती 4 महामुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया है, और जिसमें चौथा महामुकाबला तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, जिस महामुकाबले में भारतीय टीम ने एक तरफा बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इस महामुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने पहले बांग्लादेश को 256 रन पर रोक दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 257 रन बना लिए। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 48 रन की पारी खेली, शुभमन गिल 51 रन, और इसके बाद शानदार 103 रन की नाबाद पारी विराट कोहली के बल्ले से निकली। और इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम पॉइंट टेबल में भी दूसरे स्थान पर है। वहीं पर पॉइंट टेबल में मौजूद नंबर 1 स्थान पर न्यूजीलैंड टीम बेहद ज्यादा घातक नजर आ रही है। विश्व कप 2019 के फाइनल में मिली हार के बाद वह बेहद ज्यादा सतर्क है, और इस साल विश्व कप 2023 को जीतने की प्रबल दावेदार है, जहां पर पहले 4 महामुकाबलों में उसने इंग्लैंड पाकिस्तान जैसी बड़ी बड़ी टीमों को कुचल कर रख दिया है। तो ऐसे में अब उसकी बारी है कि भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने वाली है। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड का यह महामुकाबला रविवार के दिन खेला जाएगा, जो कि 22 अक्टूबर 2023 को खेला जाएगा। भारत समय अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर को 2 बजे से होने वाली, जबकि इसलिए टॉस दोपहर को 1:30 को फेंका जाएगा। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में घोषित प्लेइंग 11 की बात करें, तो उससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के ओडीआई रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कुल 116 ओडीआई महामुकाबले खेले गए, जिसमें भारतीय टीम ने 58 महामुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड 50 महामुकाबले जीतने में कामयाब रह पाई है। वहीं पर 7 महामुकाबले बिना रिजल्ट के घोषित रहे, 1 बराबरी पर खत्म हुआ है। भारतीय टीम ने भारत में 29 और न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड में 26 महामुकाबले जीते हैं। ऐसे भारतीय टीम का पलड़ा आंकड़ों के हिसाब से तो मजबूत नजर आ रहा है, मगर आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो अब तक विश्व कप के अलावा आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाई है। तो ऐसे में पहली बार हराने के लिए भारतीय टीम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। इसी कदम में आगे बढ़ते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 11 भूखे शेरों का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर शुभमन गिल और उनकी जोड़ी को शामिल किया, जहां पर रोहित शर्मा बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और साल 2023 के विश्व कप में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कि पिछले महामुकाबले में 48 रन की तूफानी पारी खेली, उससे पहले 131 रन अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए। तो ऐसे में रोहित शर्मा से बचकर न्यूजीलैंड को रहना होगा। वहीं पर शुभमन गिल की बात करें तो साल 2023 में शुभमन गिल का बल्ला बेहद ही ज्यादा खतरनाक तरीके से गर्जा है। वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 शतक ठोका था, T20 में भी शतक ठोक चुके हैं, टेस्ट में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पर अब तक साल 2023 में आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन करके शुभमन गिल लौटे हैं। तो ऐसे में अब न्यूजीलैंड को शुभमन गिल से भी सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर विराट कोहली को शामिल किया गया। विराट कोहली बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और पिछले ही महामुकाबले में उन्होंने 103 रन की जो शतकीय पारी खेली है, उससे उनका फॉर्म नजर आता है। अंतिम क्षणों में आकर जिस तरीके से उन्होंने अपना शतक पूरा किया था, वह काबिले तारीफ रहा था, इस कारण उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। ऐसे में विराट कोहली से अभी सभी टीमों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि भारतीय टीम का अगर ऊपरी क्रम ढह भी जाता है तो विराट कोहली अकेली टीम को संभाल लेते हैं, खासकर चेजिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। चौथे स्थान पर आपको सूर्य कुमार यादव की वापसी दिखाई देने वाली है, जहां पर इस महामुकाबले से हार्दिक पांड्या चोट लेने के कारण बाहर है, जो कि सीधे अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तो अगले महामुकाबले के लिए भारतीय टीम के साथ वह नहीं जुड़ रहे हैं। तो ऐसे भारतीय कप्तान ने सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह पर शामिल किया है। सूर्य कुमार यादव तूफानी बल्लेबाज करने के लिए जाने जाते हैं। विश्व कप 2023 में अब तक उन्होंने एक भी महामुकाबला नहीं खेला है। वहीं पर यह उनका विश्व कप डेब्यू होगा, जिसमें सूर्या अब न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरीके से कुचलने वाले हैं। पांचवें स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी दिखाई देने वाली है, जो कि हर महामुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। पिछले महामुकाबले में वह नाबाद लौटे थे, और ऐसे में उन्होंने वनडे श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाया था, तो उनका प्रदर्शन लाजवाब होने वाला है। भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में अच्छा खासा वह पावर पैक प्रदान करते हैं। छठवें स्थान पर आपको केएल राहुल की विकेट कीपिंग बल्लेबाजी का अंदाज दिखाई देने वाला है, जो कि इस साल बेहद ही शानदार फॉर्म में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही महामुकाबले में उन्होंने शानदार 97 रन की नाबाद पारी खेली थी। इसके अलावा केएल राहुल पिछले महामुकाबले में भी 34 रन लगाकर गए हैं। तो ऐसे में वह इस समय फॉर्म में है, और बेहद ही शानदार विकेट कीपिंग का अंदाज वह इस साल दिखा रहे हैं। सातवें स्थान पर आपको रविंद्र जडेजा की तूफानी बल्लेबाजी दिखाई देने वाली है। रविंद्र जडेजा बेहद ही शानदार गेंदबाज है, पिछले महामुकाबले में 2 अहम विकेट लिए थे। इसके अलावा बेहद ही शानदार फील्डिंग करते हुए नजर आए थे, उड़कर वह कैच लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब रविंद्र जडेजा का अंदाज बल्लेबाजी के तौर
तौर पर भी मौका पड़ने पर अच्छा दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में सातवें स्थान पर भारत टीम मुंबई दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा आठवें स्थान पर आपको कुलदीप यादव की चाइना में स्पिनिंग दिखाई देने वाली है। कुलदीप यादव बेहद ही शानदार स्पिनर गेंदबाज है। साल 2023 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने हुए हैं। उनकी शानदार स्पिन का जलवा है कि पिछले मुकाबले में एक विकेट लिया था, उससे पहले वह लगातार विकेट पर विकेट लेते जा रहे हैं और जब भी उनको मौका मिलता है अपनी खतरनाक गेंदबाजी से वह भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू अहम मौकों पर जरूर दिलाते हैं। तो भारतीय टीम के लिए यह जीत का सबसे बड़ा तोड़का इक्का है। 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर तीन घातक तेज गेंदबाज खेलते दिखाई देने वाले हैं। जहां पर 9वें स्थान पर आपको शार्दुल ठाकुर की तूफानी गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। शार्दुल ठाकुर ने पिछले मुकाबले में एक विकेट लिया, इसके अलावा वह बेहद ही शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और मौके पड़ने पर बल्लेबाजी से ही भारतीय टीम को लोअर ऑर्डर में आकर मदद प्रदान करते हैं। 10वें स्थान पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मोहम्मद सिराज इस समय बेहद ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में 2 अहम विकेट चटकाए थे। पाकिस्तान क्लब भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया था। वह लगातार भारतीय टीम की तरफ से ICC रैंकिंग में सबसे ऊपर बने हुए हैं। ऐसे में इस समय मोहम्मद सिराज का आत्मविश्वास बेहद ही अच्छा है, तो भारतीय टीम को यह फायदेमंद रहेगा। 11वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले मुकाबले में सबसे शानदार गेंदबाजी इन्होंने की थी और 2 अहम विकेट चटकाए थे। उससे पहले इन्होंने पाकिस्तान क्लब 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया था। इसके अलावा अहम मौकों पर यह भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ बेस्ट इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में यह तो घातक प्लेइंग 11 आपको दिखाई दे रही है, जिसमें अभी ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ रहा है, तो आप भारतीय टीम की पावर समझ सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।